5 के लिए। और आगे क्या कहता है, उस पद का चयन कीजिए जो अनुक्रम को पूरा करे तथा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त हो। जैसे कि आपका गाइस पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट बताना है कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, 4 ऑप्शन भी हैं, इसमें से छांट कर आपको बताना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो गाइस पहले क्वेश्चन में हम लोग सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। तो देखिए बी का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है, थोड़ा सा जूम करते हैं फिर समझते हैं। बी का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 2 होता है। सी का होता है 3। अब देखिए एच आया, एच का कितना होता है 8 होता है। फिर देखिए एल है, एल का कितना होता है 12। तो गाइस देखिए 2 से 3 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। अब लास्ट में जाइए 8 से 12 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। तो एक अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पर सीरियल वाइज से चल रहा है, मतलब पहले 1 ऐड हुआ, फिर उसके बाद 2 ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा, फिर देखिए लास्ट में 4 ऐड हुआ। ओके इसी प्रकार देखिए 3 सी का होता है 3। अब 3 में पहले हम लोगों ने 1 ऐड कर दिया, अब आगे कितना ऐड करें 2, मतलब 3 में अगर 2 ऐड करते हैं तो वो आता है 5। और 5 किसका होता है अल्फ़ाबेट कोड, ये होता है ई का। तो यहाँ पर आपका पहला अल्फ़ाबेट क्या आ जाएगा, ई। तो देखिए ई देखिए इसमें है लेकिन बी में नहीं है, ना सी में है लेकिन डी में है। तो आपका आंसर ए या डी में से एक आंसर हो सकता है। ओके तो यहाँ पर आपका पहला अल्फ़ाबेट हो गया ई। अब हम लोग दूसरे सभी के अल्फ़ाबेट उठाते हैं। एफ का देखिए 6 होता है, एच का होता है 8 होता है। इसी प्रकार गाइस ओ का कितना होता है, ओ का होता है आपका 15। अब टी का देखिए 20। अब एक चीज़ देखिए 6 से 8 बनने में कितना ऐड होगा, प्लस का 2। अब लास्ट में देखिए प्लस का 5 ऐड होगा, मतलब 15 से 20 बनने में कितना ऐड होगा, प्लस का 5। मतलब इसमें भी कितने कितने का अंतर है गाइस, पहले देखिए 2 ऐड हुआ, फिर उसके बाद आगे कितना ऐड होगा, 3 ऐड होगा, फिर लास्ट में फिर 4 ऐड होगा, फिर 5 ऐड होगा। अब आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 ऐड करके सी एच बना लिया। अब एच का कितना होता है 8, 8 में कितना ऐड करें, प्लस का 3। तो 11 किसका होता है, के का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई के। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं गाइस, थोड़ा सा कलर का जो साइज है वो पतला सा कर लेते हैं। देखिए हम लोग पहला अल्फ़ाबेट सभी का उठाएंगे। एम का देखिए कितना होता है अल्फ़ाबेट कोड, ये होता है आपका 13। अब क्यू का कितना होता है 17। अब डब्ल्यू का कितना होता है 23। और ई का कितना होता है 5। अब देखिए 13 से 17 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 4। आगे देखिए 17 से 23 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 6। आगे देखिए 23 से 5 बनने में कितना ऐड हुआ, 3। तो टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, 3 तो ये हो गया और 5 ये हो गया, तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 8। और एक चीज़ देखिए, पहले 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, 4 और 6 के बीच अंतर कितने का है, 2 का। आगे देखिए 6 ऐड के बाद फिर 8 ऐड हुआ, कितना अंतर है, 2 का। तो आगे भी 2 का अंतर होगा, तो आगे आपका कौन सा नंबर ऐड होगा, प्लस का 10 ऐड होगा। और किस में ऐड होगा, ई में ऐड होगा। ई का होता है गाइस 5, और 5 में अगर 10 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 15। तो 15 किसका हो जाएगा आपका, ओ का। तो ओ देखिए ए में है, सी में है और डी में, लेकिन बी में नहीं है। तो 3 में से आपका एक आंसर हो सकता है। तो पहले अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट तो समझ गए गाइस। अब हम लोग सेकंड सभी के अल्फ़ाबेट उठाएंगे। पहला तो अल्फ़ाबेट आपका ओ मिल गया, अब सेकंड उठाएंगे सभी के। एल का होता है 12, एन का होता है 14, आर का होता है 18, एक्स का होता है 24। अब देखिए 12 से 24 14 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। अब 14 से 18 बनने में प्लस का 4। अब 18 से 24 बनने में प्लस का 6। अब देखिए अंतर कितने कितने का है, 2 से 4 बना कितना अंतर है, 2 का। 4 से 6 बना कितना अंतर है, 2 का। अब 6 के बाद कितना ऐड होगा, 8। किस में ऐड होगा, 6 में, मतलब x में आपका कितना ऐड होगा, 8। तो x का कितना होता है 24, और इसमें अगर 8 ऐड करेंगे तो आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा 6। तो 6 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, एफ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओ एफ। तो ऑप्शन सी
इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो पहला पहला सभी के अल्फ़ाबेट उठा लेंगे, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख देंगे। तो एम का कितना होता है 13, और एल का कितना होता है 12, के का होता है 11, और जे का कितना होता है 10, और आई का होता है 9। एक चीज़ आपको देखने में लग रही होगी कि इसमें सभी घटते जा रहे हैं। 13 से 12 बना कितना घटा 1, फिर 12 से 11 बना कितना घटा माइनस का 1, फिर 11 से 10 बना माइनस का 1 घटा, फिर 10 से 9 बना कितना घटा माइनस का 1। तो सभी में माइनस एक घट रहा है, तो आगे भी 1 घटेगा। तो 9 से 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 8। 8 किसका होता है गाइस? एच का। तो देखिए पहले में आपका एच आ रहा है? नहीं आ रहा है। सी में आ रहा है? नहीं। डी में आ रहा है? नहीं। लेकिन बी में आपका पहला अल्फ़ाबेट एच मिल गया। अब आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं और आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक ऑप्शन बचता है तो वही आपका आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है चौथा, यहाँ पर बताना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो कर लेते हैं। तो हम लोग सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाएंगे और सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखेंगे। तो देखिए डी का होता है आपका 4, एफ का कितना होता है 6, आई का होता है 9, एम का होता है 13। देखिए 4 से 6 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। फिर 6 से 9 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 3। फिर 9 से 13 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 4। तो पहले 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, आगे कितना ऐड होगा? प्लस का 5। तो 13 में अगर 5 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 18, और 18 किसका अल्फ़ाबेट होता है? सभी को पता होगा आर का होता है। तो आर देखिए पहले ऑप्शन में पहला अल्फ़ाबेट है? नहीं, तो पहला कट। दूसरे में है, सी में भी है, लेकिन डी में नहीं है, तो ये भी कट। तो बी या सी में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरा अल्फ़ाबेट उठाएंगे। एक्स का कितना होता है 24? बी या सी में से आपका एक आंसर हो सकता है, ये तो आपको पता ही हो गया। पहला अल्फ़ाबेट आपका निकल आया आर। अब दूसरा उठाएंगे, एक्स का कितना होता है 24। यू का कितना होता है आपका? सभी को पता होगा 21। अब क्यू का कितना होता है 17, एल का कितना होता है 12। अब देखिए 24 से 21 बनने में कितना घटा माइनस का 3। अब 21 से 17 बनाना कितना घटा माइनस का 4। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं गाइस। अब 17 से 12 बनने में कितना घटा माइनस का 5। देखिए पहले माइनस 3 घटा, फिर माइनस का 4 घटा, फिर घटा माइनस का 5, आगे कितना घटेगा? माइनस का 6। तो 12 में से 6 अगर घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 किसका होता है? एप का। तो आर एप आपका आंसर हो जाएगा। किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है पाँचवा, और पाँचवे में हमें क्या करना है आपको बताना है आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो गाइस पहले आप एक चीज़ देखिए, पहले में आपके एक अल्फ़ाबेट है, फिर दूसरा जो पोर्शन है इसमें 2 अल्फ़ाबेट हैं, फिर तीसरे में 3 अल्फ़ाबेट हैं, और लास्ट वाले में 5 अल्फ़ाबेट हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हैं। तो यहाँ पर कितने होंगे? 4, क्योंकि पहले में आपके पहला एक है, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में 3 हैं, तो चौथे में कितने होंगे? 4, और लास्ट वाले में कितने हैं? 5। तो ऐसा ऑप्शन चुनना जिसमें 4 अल्फ़ाबेट हैं। देखिए डी में है, डी में नहीं, तो ये कट। सी में है, ये भी कट। तो ए या बी में से आपका एक आंसर होगा। आगे देख लेते हैं तरीका कि कैसे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो पहला है आपका अल्फ़ाबेट ए, ए का होता है 1। फिर है आपका सेकंड पे सी डी, सी डी का कितना होता है 3 और 4। इसके बाद है जी एच आई, जी का होता है 7, एच का होता है 8, आई का होता है 9। अब यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे बताना कि क्या आएगा। और आगे है यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू का होता है 21, वी का होता है 22, डब्ल्यू का होता है 23, फिर 24, और लास्ट में 25। अब देखिए गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, पहला अल्फ़ाबेट का पहला कोड देख लेते हैं। एक से एक है पहला, ए का है 1 है, सी डी का है 3 और 4। तो दूसरे में हम लोग सी का देखेंगे, तो 1 से 3 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। अब 3 से 7 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 4। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 2 का अंतर है, आगे है प्लस 4 का। तो 2 से 4 बनने में कितना ऐड हुआ? प्लस का 2। मतलब सभी में 2-2 ऐड होता जा रहा है, तो 4 में भी 2 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 6, और इस 6 को हम लोग 7 में ऐड कर देंगे। मतलब जी वाले अल्फ़ाबेट में पहला पहला अल्फ़ाबेट उठाएंगे,
तो 7 में अगर 6 ऐड करेंगे तो आएगा 13। 13 किसका होता है? एम का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका मिल गया एम। तो ए में देखिए एम है लेकिन बी में नहीं है, तो बी वाला भी कट, सी तो कट था और डी वाला भी कट था, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। एम के बाद आपका आएगा एन ओ पी, क्योंकि सभी सीरियल वाइज हैं ना, इसीलिए। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।